बड़े बड़े शरबत पीतन पर खान साहब लस्सी की देवने क्या बात है, चास करा छोड़िए। ये मैं तकरीबन 16 साल से काम कर रहा हूँ भाई, और ये पहले दूध लेते हैं और दूध को पका कर उसे जमाते हैं, जाग लगाते हैं, और उसके बाद जब वो जम जाती है तो उसको रिड़का जाता है। बिजली की मदानी से कर लो या हाथ वाली से कर लो, हाथ वाली से ज़्यादा बेहतर है। इसके फायदे क्या हैं? फायदे ये है जी, सबसे पहले तो ये कि ये इसमें कोई किसी किस्म का केमिकल नहीं होता, ये मैदे के लिए बड़ी फिट रहती है और गर्मी को ख़त्म करती है, जिगर को फ्रेश करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी अफ़ान और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। दादी, जैसा आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लोग मशरूबात बड़े शौक से पी रहे हैं। इन मशरूबात में से एक चाटी की रवायती हमारी गांव की जो लस्सी होती है, ये कैसे तैयार की जाती है? हमारे साथ भाई मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। लस्सी जो है ये रवायती लस्सी है गाँव की, ये कैसे तैयार की जाती है, कब से आप ये लस्सी बना रहे हैं? ये मैं तकरीबन 16 साल से काम कर रहा हूँ भाई, और ये पहले दूध लेते हैं और दूध को पका कर उसे जमाते हैं, जाग लगाते हैं, उसके बाद जब वो जम जाती है तो उसको रिड़का जाता है। बिजली की मदानी से कर लो या हाथ वाली से कर लो, हाथ वाली से ज़्यादा बेहतर है। और इसको रिड़कने के लिए पहले थोड़ा सा रिड़कना पड़ता है, और उसके बाद अगर दही ठंडी हो तो उसके लिए थोड़ा सा पानी गर्म करना पड़ता है ताकि वो नॉर्मल हो जाए। जब ठंडी होती हो तो उसमें मक्खन जो है ना वो नहीं निकलता, तो गर्म पानी डालना पड़ता है। जब गर्म पानी डालते हैं तो मक्खन जो है वो ऊपर आ जाता है मदानी चलने से। उसके बाद बर्फ़ के छोटे छोटे टोटे कर लेते हैं, तकरीबन 4-5 किलो बर्फ़ जो है वो टोटे टोटे कर लेते हैं, बाद में वो उसमें डाल देते हैं, फिर से मदानी चलाना शुरू कर देते हैं। जब दोबारा बर्फ़ डालते हैं तो बर्फ़ के साथ पहले गर्म पानी डालते हैं, मक्खन ऊपर आ जाता है, बाद में जब बर्फ़ डालते हैं तो मक्खन जो है वो बिल्कुल ही इकट्ठा हो जाता है, एक साथ हो जाता है। उसके बाद उस मक्खन को हम निकाल लेते हैं, निकाल के तो साइड पे रख लेते हैं, और उसके बाद इसमें जो है नमक डालते हैं, हाजबा जायका नमक जितना लोग पसंद करते हैं। आप जो बेसिक अज्जा हैं दही वगैरह, ये अपने दूध से बनाते हैं या लेते हैं? ये जी दूध से भी बनाई जाती है, लेकिन अगर अच्छी दही कहीं से मिल जाए तो वहीं से भी ले लेते हैं। लोग यहाँ पर तो पीते हैं आपसे, क्या साथ भी लेके जाते हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे हैं को के सामने मेरे अड्डा है, और अड्डे में बैठे होते हैं गाड़ियों में लाहौर जाने के लिए, तो लोग आ जाते हैं, पी भी लेते हैं, और बाकायदा मुझे पैक करवाते हैं, वो कहते हैं हम रस्ते में पियेंगे। किधर से आए हैं जी? मैं भावलपुरी चो आया। सही, किधर खड़े हुए हैं? लस्सी पी रहे हैं। इतना से दरबार से आए हैं, तो ये लस्सी जो है कर रहे हैं जी? बड़े बड़े शरबत पीतन पर खान साहब लस्सी की देवने क्या बात है, चास करा छोड़िए। ये रवायती लस्सी है चाटी की, आपको पसंद है? साढ़े में सेब दी है लस्सी चलती है सोना, इतना आया डिठे बिराद नजर पई है लस्सी पीती है, चास आ गई। तो फायदा क्या है इसका? ये तो बड़े फायदे हैं, ये लस्सी है तो आपको पता है अल्लाह की नेमत है, इतना बहुत फायदे हैं। मैं इधर से पाकपतन से ही आया हूँ, लेकिन इसकी लस्सी बहुत शानदार है। मैं उधर मल्ला पीरकोट है, वहाँ से इधर आया हूँ लस्सी पीने। ये शानदार लस्सी है, जैसे बचपन में पीते थे ना लस्सी चाटी की जो माइयाँ रिड़कती थी, वैसी लस्सी है, शानदार।